नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेकी नेशन। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो MI के वायरलेस ईयरफोन्स के ऊपर, जो मैंने रिसेंटली ही परचेज किए हैं फ्लिपकार्ट से। सो इस तरह की पैकेजिंग है, और अगर आपका भी बजट अराउंड 2000 के अंडर है तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती है आपके लिए। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं बताऊंगा जो है इसके प्रोज एंड कॉन्स इस वीडियो में। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अनबॉक्सिंग वीडियो। सो ये रहा हमारा बॉक्स, और जल्दी से मैं इसे कर देता हूँ ओपन। सो इस तरह का बॉक्स है MI की नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स का, और फ्रंट की तरफ इस तरह की पैकेजिंग है, और नीचे की तरफ ये लेबल। तो इसको भी हम कर देते हैं पील ऑफ, या इसको कर देते हैं हम कट, और देखते हैं हमारे बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और इस तरह से ये ओपन हो जाता है, कुछ यूजुअल मैनुअल्स और एक USB 2.0 जो चार्जिंग और केबल है, साथ ही में दो आपको एक्स्ट्रा अटैचमेंट मिल जाते हैं। और एक यूजर मैनुअल है किस तरह से आपको जो है इसको यूज़ करना है, इसको भी रख देते हैं हम साइड में, और इसको फिर भी कर देते हैं मोल्ड। और ऊपर की तरफ भी आपको देखिए एक अच्छी सी पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ से हम इसे उतार देंगे। तो इनको निकाल देते हैं इनके केस से, और सो मॉडल की ब्रांडिंग जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, इसका सीरियल नंबर है। और इनका मैं आपको जो है फिज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो है काफ़ी अच्छा मटेरियल है और फ्लेक्सिबल है। ऊपर की तरफ जो है MI की ब्रांडिंग है। साइड में आ जाते हैं तो यहाँ से ये जो पोर्ट है USB 2.0, यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। सो देख सकते हैं इस तरह का ये पोर्ट है, और ये वॉल्यूम अप डाउन बटन है। अगर इसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप जो है अपने सॉन्ग का ट्रैक चेंज कर सकते हैं, या बैक ट्रैक में आ सकते हैं। साथ में ये पावर ऑन ऑफ बटन है, या इसे आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, या जो है वॉइस असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं आप इसे लॉन्ग प्रेस करके। और यहाँ पे देखिए आपको जो है ये मैग्नेटिंग इफेक्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं बता दूँ इसके बारे में। तो ये रहे MI के नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स। जब आप इसे प्रेस ऑन करेंगे तो यहाँ देखिए आपको एक इंडिकेटर ब्लू जो लाइट ब्लिंक करेगी। इसको पेयर करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो ये पेयर हो रहा है, और ये पेयर हो चुका है। अब मैं जो है इसकी जो है क्वालिटी और साउंड आपको मैं बताऊंगा। तो थोड़ा सा मैं इसका आपको फिज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ। ये स्ट्रेचेबल है, और आप इस तरह से जो है इसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने नेक पे। और साथ में बता दूँ जो फ्रेंड्स, जो इसका जो बैकअप टाइम जो MI बता रहा है वो है 8 आवर्स, अगर आप उसको उनके जो एक टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से यूज़ करेंगे। और अराउंड 2 आवर्स इसको लग जाते हैं चार्ज होने में। तो इसमें जो आपको बैटरी कैपेसिटी जो देखने को मिल रही है 120 mAh की, आपको इसमें बैटरी देखने को मिल रही है। साथ ही में ये आ रहा है ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी के साथ, जो काफ़ी अच्छी है। अपने प्रीडिसेसर से बताया जा रहा है कि 4 टाइम्स जो बेटर है, जो आपको डिस्टेंस का इसमें आउटपुट मिलता है देखने के लिए, अगर आप कहीं भी इसको दूर जाके यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में जो मैं फ्रेंड्स बता दूं, जो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है, इस तरीके से जो है ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही में इनमें जो है काफ़ी इनहेंस आउटपुट निकल के आ रही है, जो MI बता रहा है। तो हम इसे टेस्ट करके देखेंगे किस तरह का साउंड आउटपुट है, और जो इनका प्राइस है उस हिसाब से किस तरीके का जो है आपको ये क्या वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन्स है या नहीं। सो ये सभी चीज़ें मैं इसको एक बार सुन लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ किस तरह की जो है इसकी साउंड आउटपुट निकल के आ रही है। और नॉर्मल केबल है ये, ब्रेडेड केबल नहीं है, तो इसकी लाइफ का उतनी अच्छी नहीं है जितनी ब्रेडेड केबल की होती है। तो जल्दी से हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं अपने ईयर्स पे, और कोई सॉन्ग क्या देखते हैं। फ्रेंड्स, जो इसका जो बेस लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, और जो इसका प्राइस है उस मामले से काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि सैमसंग के भी लेवल यू जो है ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स आते हैं, और जो इनका प्राइस वेरी करता है 2100 से अबव ही वो आपको देखने को मिलते हैं ऑनलाइन भी, बट इसका जो मुझे प्राइस मिला है 1599। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं जो है MI के ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज़ कर चुका हूँ, और अभी इन्हें अराउंड 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। बट इसका जो बैटरी बैकअप है अभी भी काफ़ी अच्छा है, 4 to 5 आवर्स का जो इजीली इसमें बैकअप मिल जाता है।
और साथ ही में जो इसमें जो प्रॉब्लम थी, ये जो देखिए आप, ये टेंगल्स आगे थे केबल्स में, और यहाँ से ये जो है ये लूज़ हो जाता है, तो इसको मैंने जो है फेविस्टिक से जोड़ रखा है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि स्ट्रेचेबल है और ये टूटेगा भी नहीं, और साथ ही में जो है इनके ऊपर भी कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता, क्योंकि आपके ईयर पे ही प्लग रहेंगे। सो काफ़ी सारे जो है प्रोज मैंने डिस्कस कर लिए हैं इन MI के नेकबैंड ईयरफोन्स के। सो जल्दी से आ जाते हैं इनके कॉन्स के ऊपर। सो आजकल काफ़ी सारे हमें जो है ईयरफोन देखने को मिल जाते हैं, वो डायरेक्टली जो है आप प्लग इन करते हैं अपने ईयर पे तो कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले उन्हें ब्लूटूथ के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ता है इन्हें। और सेकंड चीज़ मैं बता दूं, जैसे कई यूज़र रहते हैं उनको जो है ट्रूली वायरलेस ईयरफोन ही पसंद आते हैं, जो डायरेक्टली प्लग हो जाएं ईयर पे, उनमें कोई भी वायर का झमेला ना हो, जिस तरह से आप देख सकते हैं, और जिस तरह का ये था इसमें अकेली वायर थी। सो ये यूज़र की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट इनसे जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है ईयरफोन्स की। और फ्रेंड्स MI के इस तरह के ईयरफोन्स आते हैं जो 1499 या 1399, जो उनका प्राइस वेरी करता रहता है एज़ पर सेल्स। तो मैं बता दूँ, उनमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से वो ब्रेक हो जाते हैं, बट इनमें मुझे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, ना इन चीज़ों में ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब तक इस पर कोई स्ट्रेंथ लगेगी तभी ये चीज़ टूटती है। बट इसमें आपको कोई भी स्ट्रेंथ या इस पर कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, जिससे ये है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ हो जाए। और इनके जो साउंड क्वालिटी है गाइस काफ़ी अच्छी है, और आप ज़रूर इनको परचेज कर सकते हैं अगर आपका बजट जो है अंडर 2000 है। तो जो 1599, वैसे मैं बता दूं ये जो है ईयरफोन सेल पे भी कई बार मिल जाते हैं आपको, फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट मिल जाता है 10%, तो आपको ये है जो है अराउंड 150 रुपीज़ का और डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा सेल्स के दौरान। और फ्रेंड्स, अगर आप भी परचेज करना चाह रहे हैं ये ब्लूटूथ नेक बैंड, सो आप इन्हें डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, और आपका जो है एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपको मेरे चैनल का अगर कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो यहाँ पे एक लाल बटन दिख रहा है, इसे भी दबाता कि ये चैनल हो जाए सब्सक्राइब, और इस घंटे को बता देता कि आपको कोई भी नई नोटिफिकेशन मिलते रहे इस चैनल में। सो गाइस, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों।